हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर पूजा शर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ न्यूटन मैंडल क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे आपको कुछ न्यूमेरिकल समझाए जाएंगे, उसके बाद आप उनकी प्रैक्टिस करना। फिर भी किसी स्टूडेंट को न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट रहता है तो उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आप न्यूमेरिकल को टाइप करके लिख दीजिए, और अगर हम कमेंट में न्यूमेरिकल मतलब टाइप करके नहीं बता पाते हैं तो जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो बनता है उसमें आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। हमने लॉज ऑफ मोशन में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, लाइक न्यूटन लॉ क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या है हमारे पास, रॉकेट का पढ़ा, कनेक्टेड मोशन पढ़ा। आज इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आपको समझाऊंगी। देखो यहाँ पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल शॉर्ट में लिखे हुए, मैं आपको समझाती हूँ, एक एक न्यूमेरिकल को डिटेल से समझेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऐसे कह रहा है तीन बॉडी है ए बी सी, ये हमारे पास क्या होगी, कोई भी तीन बॉडी होगी, इनका मास सेम है हमारे पास, इसका मास कितना है एम, इसका मास भी हमारे पास कितना है एम, इसका मास भी हमारे पास कितना है एम है। तो हमें क्या निकालना है, इसका फोर्स निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है इसका, सॉरी इस पे जो क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है, हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है और नेट फोर्स निकालना है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है और ए, एक ऑब्जेक्ट है बी और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है सी। तीनों ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास क्या है सेम है, कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम। क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को, कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, सेकंड हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है नेट फोर्स। देखो कोई नई चीज हमें नहीं सीखनी, मतलब हमें बिल्कुल नहीं घबराना कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या पूछा है एक्सेलरेशन। हमें तो फोर्स का और एक्सेलरेशन का एक ही रिलेशन पता है जो कि क्या होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अब देखो इसमें कैसे यूज किया जाएगा, हमारे पास क्या, हमारे पास ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ अपॉन एम। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखो फोर्स तो कितना है यहाँ पे एफ है, लेकिन अगर मैं मास की बात करूं तो देखो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है, एक का मास एम, दूसरे का मास एम, तीसरे का मास एम, तो टोटल मास हमारे पास क्या हो जाएगा थ्री एम। ठीक है, टोटल मास हमारे पास क्या हो गया थ्री एम, तो ये हमारा क्या हो गया एक्सेलरेशन। ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन। इसी के साथ आप लोगों को कैलकुलेट करना है नेट फोर्स, मतलब ए पे फोर्स बी पे फोर्स या सी पे। तो हम ए के निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास एम ए, क्या हो गया एफ इज इक्वल टू एम ए। ए पे जो टोटल मास है वो कितना हो गया एम प्लस एम प्लस एम, ए पे तीनों का मास हो गया ना, तो कितना हो गया हमारे पास थ्री एम, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है एफ अपॉन थ्री एम। ठीक है, तो थ्री से थ्री कैंसिल, एम से एम कैंसिल, इस पर हमारा फोर्स लग रहा है एफ, यानी जो ए ऑब्जेक्ट है, जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है, इससे फोर्स कितना लगेगा एफ। अगर हम बात करते हैं बी की, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, एफ इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा एम में, एफ इज इक्वल टू क्या हो गया एम में। बी पे टोटल मास कितना हो गया टू एम, बी पे टोटल मास कितना हो गया टू एम, एम प्लस एम करके कितना हो गया हमारा टू एम, एक्सेलरेशन कितनी है हमारी एफ अपॉन थ्री एम, एम से एम कैंसिल हो गया, इस पर हमारा फोर्स कितना हो गया टू बाय टू एफ बाई थ्री, इस पर फोर्स कितना आ गया टू एफ बाई थ्री। और अगर हम बात करें थर्ड की, थर्ड पे फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, इसको एफ वन लिख लेती हूँ, ए लिख लेती हूँ, इसको एफ बी लिख लेती हूँ, इसको क्या लिख देती हूँ एफ सी लिख देती हूँ। थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मूला तो वही अप्लाई करना है, एम इंटू ए, एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास एम, ए की वैल्यू कितनी है एफ अपॉन थ्री एम, एम से एम कैंसिल हो गया, इसमें हमारा फोर्स क्या लग रहा है एफ बाई थ्री। ठीक है, तो इसमें हमारे से क्या पूछा गया था, पहला जो न्यूमेरिकल था, पहला न्यूमेरिकल हमारे पास था कि आपके पास कोई तीन ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट एंड सी ऑब्जेक्ट। ए ऑब्जेक्ट का मास हमारा कितना है कैपिटल एम, बी ऑब्जेक्ट का मास, चलो मैंने स्मॉल एम लिया तो आप स्मॉल एम मान लेना, मेरे सारे नोटेशन आप लिखे ना, ये हमारे पास क्या हो गया इसका मास एम और इसका मास क्या हो गया एम, तीनों का मास हमारे पास सेम है। आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि इसके एक्सेलरेशन क्या होगी और नेट फोर्स क्या होगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या और नेट फोर्स क्या है। क्वेश्चन समझ में आया, हमारे पास तीन बॉक्स है ए दो तीन, इसका मास एम, इसका मास एम, इसका मास एम, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो आपको ये देखना है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, हमें क्या नोट करना है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स है, दूसरा इसकी एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी। हमें सिंपल न्यूमेरिकल के लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा एफ अपॉन एम, ए इज इक्वल टू क्या हो गया एफ अपॉन एम, ये एफ एज इट इज हो गया। अगर इसमें मास की बात करें तो तीनों ब्लॉक का मास सीखना है एम प्लस एम प्लस एम, तीनों बॉक्स का मास कितना है इसका एम इसका एम इसका एम, तो ये हमारा मास कितना हो गया थ्री एम, तो हमारा एक्सेलरेशन कितनी आ गई एफ अपॉन थ्री एम, ये हमारी क्या एक्सेलरेशन है। उसके बाद करते हैं उसके नेट फोर्स की बात करते हैं, फोर्स का सिंपल फॉर्मूला वही, अगर मैं ए के फोर्स की बात करूं तो क्या लिख दिया एफ ए इज इक्वल टू एम ए, क्या लिख दिया एफ ए इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, इसको चलो कैपिटल, तो आप लोग समझ आ रहे हैं दोनों एम सेम है जो भी मैंने बनाए हैं, अभी मैं इसको बार बार चेंज नहीं करूंगा, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, एम कितना हो गया, ए पे जो ऑब्जेक्ट है टोटल मास कितना आ रहा है, इसके साथ बी दी है उसके साथ सी दी, तो टोटल मास कितना हो गया हमारा थ्री एम, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है एफ अपॉन थ्री एम, थ्री से थ्री कैंसिल हुआ एम से एम कैंसिल हुआ, ए ऑब्जेक्ट पे हमारा फोर्स कितना लगा एफ, ए ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लगता है एफ। अगर हम बात करें बी ऑब्जेक्ट की, तो बी ऑब्जेक्ट फोर्स हमारा फॉर्मूला क्या हो गया एम ए, यहाँ पे एम कितना हो गया टू एम, एम कितना हो गया हमारा टू एम, और ए क्या हो गया हमारा एफ अपॉन थ्री एम, एम से एम कैंसिल हो गया कितना हो गया टू एफ बाई थ्री, कितना हो गया हमारा ये टू एफ बाई थ्री। अगर हम बात करते हैं एफ सी की, जो सी ऑब्जेक्ट है वहां पे फोर्स क्या लग रहा है, तो फॉर्मूला क्या है
एम इन टू एम एज इट इज एक क्या है एफ अपॉन थ्री एम, ये हमारा क्या गया फोर्स। तो आपको भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको बिल्कुल सिंपल ऐसे करना है कि आपको दे दिखी कोई भी ऑब्जेक्ट इनका मास यही है तो आप लोग क्या कैलकुलेट करें एसलेशन कैलकुलेट करें उसका टोटल फोर्स कैलकुलेट करें। इजिली आप सिर्फ सिंपल फॉर्मूले से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसलेशन से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं एसलेशन, और इसी तरह हम लोग एक एक ऑब्जेक्ट पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास कोई चार ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, चारों पे मास है m, m, m और m, ठीक है, इसकी टेंशन है t1, इसकी टेंशन है t2, इसकी टेंशन है t3। आपको क्या करना है t1, t2 एंड t3 कैलकुलेट करना है, और हमारे पास कैसा फोर्स है यहाँ पे एफ फोर्स है। तो देखो अब हम करेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें देखना है कि हमें इसे कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको इसका स्क्रीन शॉट ले लेना पहले वाले का, और न्यूमेरिकल में तो मैं बार बार बोल रही हूँ किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो न्यूमेरिकल में तो। ठीक है, तो आप देखो हम इसके एस्केलेशन कैलकुलेट करते हैं कैसे, सॉरी टेंशन T1 T2। अब देखो ये ऐसे लगे हुए एक दो तीन चार बॉक्सेस हमारे पास, ये एफ फोर्स इन सारे बॉक्सेस को लेके जा रहा है। एफ फोर्स क्या कर रहा है सारे बॉक्सेस में हमें अलग अलग टेंशन निकालना है, पहले हम इसकी बात करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से मैं पहली इक्वेशन बनाऊ एफ माइनस T1 इज इक्वल टू एम ए। ये बिल्कुल सेम वैसे है जैसे हम लिफ्ट के केसेस सॉल्व करते थे। अगर किसी स्टूडेंट ने लिफ्ट का या हमारे पास ये जो हमने डेरिवेशन कराई थी नहीं समझे है तो पहले प्लीज वो वीडियो समझ के आए तब इसको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। क्या हो गया हमारा एफ, एफ इधर जा रहा है, माइनस क्या हो गया T1 और कितना फोर्स हो गया एम। ये तो हमारा इस एक की बात करिए, दूसरे पे चले इसको कौन पुश कर रहा है T1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या हो गया एम ए। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या हो गया एम ए। ऐसे अगला हमारे पास क्या हो जाएगा देखो T2 माइनस T3 इज इक्वल टू एम ए। अगला हमारे पास क्या हो जाएगा T2 माइनस T3 इज इक्वल टू एम ए, इसको पुश करके ले जाएगा और इससे अगला हमारे पास क्या हो जाएगा T3 इज इक्वल टू एम ए। देखो इक्वेशन आप लोग सोल्व करेंगे, मैं सोल्व नहीं कर रही, आप इक्वेशन सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन ये आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, आपको ऐसे मिल जाएगा कि आपके पास चार बॉक्सेस हैं, चारों बॉक्सेस का मास कितना है एम ए, इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2, इसमें टेंशन कितनी है T3, यहाँ पे फोर्स क्या हमारा एफ है। तो आप लोगों को कैलकुलेट करनी है T1 T2 एंड T3, यानी क्या कैलकुलेट करनी है टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो हम लोगों ने क्या किया जो हमने सीख रखा है सिंपल, ये फोर्स इसको लेके जा रहा है, ये अपने साथ लेके जा रहा है इस बॉक्स को। देखो F माइनस T1 इसका फोर्स कितना हो गया एम ए। अगला देखो ये इसको पुश कर रहा है T1 माइनस T2 इज इक्वल टू एम ए, इसको पुश कर रहा है T2 माइनस T3 इज इक्वल टू एम ए, और T3 अकेला इसको लेके जा रहा है तो T3 इज इक्वल टू क्या हो गया एम ए। समझ में आया, देखो F माइनस हमारे पास ये F लेके जा रहा है ना, F माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो गया एम ए, उसके बाद T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या हो गया एम ए, फिर T2 माइनस T3 इज इक्वल टू क्या हो गया एम ए, और फिर T3 इज इक्वल टू क्या हो गया एम ए। और जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी टेंशन आ जाएगी, ये आपको क्लियर हुए। अब हम चलते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल पे जो कि हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पास आपके बाद नीट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप समझे बिल्कुल आसान है कि हमारे पास रिलेटेड हमारा पुली वाले क्वेश्चन से। देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, हमें दो अरेंजमेंट दिए हुए हैं, मैं इस अरेंजमेंट को नाम ए लिख लेती हूँ, इस अरेंजमेंट को नाम बी लिख लेती हूँ। हमें दो अरेंजमेंट दिए हुए, क्या कहा गया है कि जो पहली अरेंजमेंट है यहाँ पे देखो ये इस पे मास कितना है m, यहाँ पे मास कितना है 2m, तो इसका वेट कितना जाएगा 2mg, इसका वेट क्या जाएगा मेरा mg। मैं आपको डायग्राम यहाँ पे क्लियर अच्छे से बनाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो हमारे पास पहली जो अरेंजमेंट है वहाँ पे पुली बना के दी है, बाकी सारा रफ कर देती हूँ एक बार है ना, फिर ताकि हमें नहीं, पर मैं आपको एक बार रिपीट और कर दूंगी क्वेश्चन क्या है, वैसे आप लोगों को याद हो ही गया रिपीट करने की क्या जरूरत है ना। न्यूमेरिकल में आपको सिंपली इक्वेशंस देखनी है कि इक्वेशन हमारे पास कैसे बनती है। देखो ये क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। क्या दिया हुआ है हमारे पास, पुली दी हुई। देखो पहला अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, ये क्या हो गया हमारी पुली हो गई, यहाँ पे जो बॉक्स है उसका मास है एम, इसका मास क्या हमारे पास एम, इसका वेट हमारे पास क्या एम जी, इसका वेट हमारे पास क्या एम जी, यहाँ पे टेंशन अप्लाई हो रही है टी टेंशन अप्लाई हो रही है। दूसरा जो है इसका वेट है हमारे पास 2m, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 2mg, इसका मास कितना दिया हुआ है 2m, तो इसका वेट क्या हो गया 2mg, इसकी टेंशन दी हुई है हमारे पास टी। ये तो हमारे पास ए अरेंजमेंट है। दूसरे अरेंजमेंट में हमारे पास क्या करते हैं कि ये पुली हो गई, ठीक है, ये पुली का एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है हमारे पास m, यहाँ पे क्या हो गया इसका वेट क्या हो गया mg, इसकी टेंशन हमारे पास क्या होगी टी, इसकी टेंशन हमारे पास क्या होगी टी हुई। दूसरा जो हमारे पास है, दूसरे का हमारे पास कैसे दिया हुआ है, दूसरे का हमें फोर्स दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई मास नहीं है, दूसरे का फोर्स दिया हुआ है कि कितना है 2mg, दूसरे का फोर्स कितना दिया है 2mg, और इसकी टेंशन क्या है टी। और आप लोगों से क्या पूछा गया है कि ये बताइए इन विच अरेंजमेंट एस्केलेशन इज मोर, हमसे पूछा गया है कि ये बताओ कि कौन से अरेंजमेंट में, ए अरेंजमेंट में या बी अरेंजमेंट में, कौन से अरेंजमेंट में एस्केलेशन ज्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे दोनों अरेंजमेंट के लिए अलग अलग इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले आपको समझ में आया
हमारे पास यहाँ पे दो अरेंजमेंट है, एक ए अरेंजमेंट है, एक बी अरेंजमेंट है। इस ए अरेंजमेंट में मास कितना है m, तो इसका वेट क्या हो गया mg, इसकी टेंशन क्या हो गया मेरे पास t। ये जो a है यहाँ पे दूसरी तरफ मास इसका कितना है 2m, जो हैवी होता है वो नीचे चला जाता है ना, इसका वेट क्या हो गया 2mg, इससे भी टेंशन कितनी अप्लाई हो रही है t टेंशन। दूसरे अरेंजमेंट की अगर बात करें तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये बॉक्स नहीं है, यहाँ पे सीधा इसका फोर्स है कितना 2mg, टेंशन हो रही है। तब हम इक्वेशन अप्लाई करें तो देखो इक्वेशन कैसे अप्लाई करें, मैं पहले वाले के लिए कैलकुलेट करती हूँ। बताओ हम लोग क्या करेंगे, एफ निकालना है तो एफ कैसे निकालो बताओ। एफ हम लोग निकालेंगे पहले के लिए, ऐसे लिखेंगे एफ इक्वल्स टू, ये इसको नीचे ले जा रहा है तो क्या लिखेंगे 2mg, क्या लिखेंगे इसको नीचे लेके जा रहा है तो 2mg माइनस 2t, सॉरी क्या हो गया माइनस t, और ये t हमारे पास कितना है mg, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर ही लिख देती हूँ 2mg माइनस mg, तो ये हमारे पास कितना आ गया mg, ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई फोर्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है हमारे पास फोर्स की। पर हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। अब हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है एम ए, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है एम ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास एफ अपॉन एम, ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा एफ अपॉन एम, एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है एम जी, एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है एम जी। और अगर हम ए की बात करें, एफ की वैल्यू तो होगी ना एम जी, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा एम, तो एम से एम कैंसिल हो गया, हमारे पास जो एस्केलेशन है वो पहले केस में हमारी क्या आ रही है जी, जो एस्केलेशन है वो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या आती है जी आती है। हम दोनों में अलग अलग केसेस में हमारे पास एस्केलेशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मेरे को 2mg माइनस t, आप इस चीज को काउंट करना भूल गए, टोटल मास कितना है 3, ठीक है चलो मैं इसको चेंज कर दूंगी, बताती हूँ कैसे आपको चेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, f इज इक्वल टू 2mg माइनस t, बिल्कुल ठीक है, एक जगह लिखा है, मैं भी चेंज करती हूँ, 2mg माइनस क्या हो गया t इज इक्वल टू, आप देखो ठीक है लिखा हमारे पास mg, 2mg में से mg गया तो कितना बचा mg, f इज इक्वल टू क्या होता है m, a इज इक्वल टू f अपॉन m। ये जो एस्केलेशन इस कंप्लीट सिस्टम के लिए ना कि सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो टोटल मास कितना है यहाँ पे 3m, तो बस ये थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, इसका टोटल मास हो गया हमारे पास 3m, तो एस्केलेशन क्या आएगी z बाय 3। देखो क्या चेंज किया मैंने, ऐसे कहा कि एस्केलेशन हमें इस पूरे सिस्टम के लिए निकालनी है, यहाँ पे 2m और m, टोटल मास कितना हो गया 3m, f इज इक्वल टू क्या हो गया f अपॉन m, f की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखी है क्या mg, और m हमारे पास क्या है 2m प्लस m, m हमारा कितना है 3m, m से m कैंसिल हो गया, हमारी एस्केलेशन कितनी है z बाय 3, एस्केलेशन कितनी है z बाय 3। अब सेकंड केस के लिए चेक करते हैं, आप लोग खुद से ट्राई करिए कैसे लिखेंगे हम लोग, सेम वैसे ही 2mg माइनस t, फोर्स की वैल्यू लिखूंगी f इज इक्वल टू 2mg माइनस t, तो कितना हो गया हमारे पास 2mg माइनस mg, फोर्स तो वही आया हमारे पास कितना आ गया mg, फोर्स हमारे पास क्या आया वही आया हमारा कितना है फोर्स mg। अब वही बात है, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एस्केलेशन, एस्केलेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया कि f इज इक्वल टू होता है हमारे पास ma, f इज इक्वल टू क्या होता है ma, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया f अपॉन m, a इज इक्वल टू क्या हो गया f अपॉन m। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल मास हमारा सब कितना है m है, तो ये क्या हो गया f की वैल्यू है mg अपॉन में m, इस केस में एस्केलेशन क्या आ गया हमारी g आ गई, तो आप लोग देख लीजिए किस केस में एस्केलेशन ज्यादा है, यहाँ पर मेरा एस्केलेशन g है, यहाँ पे हमारा एस्केलेशन क्या है g बाई 3। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप चेंज करके देता है तो कैसे देगा, आपको इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज दे देगा, लाइक इसकी 10 है, इसकी 15 है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज दे दे, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपली इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, क्या आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सिंपली इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास दो अरेंजमेंट थी, इसका मास कितना है m, इसका मास है 2m, तो इसका वेट क्या हो गया mg, इसका वेट हमारे पास क्या हो गया 2mg, इसकी टेंशन t, इसकी भी टेंशन क्या होगी t। दूसरे अरेंजमेंट में मास कितना है m, इसका वेट कितना हो गया mg, इसकी हमारे पास फोर्स दिया हुआ है 2mg। हमें कैलकुलेट करना है कि किस केस में एस्केलेशन ज्यादा है, तो हम लोगों ने क्या निकाला, पहले 2mg माइनस t, 2mg माइनस t, t की जगह लिखा mg, तो हमारे पास क्या आ गया mg, फोर्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा mg आ गया। उसके बाद हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है m में, तो a इज इक्वल टू हो गया f अपॉन m, f की वैल्यू हमने कितनी निकाली mg, और m कितना हमारा टोटल मास, ये m और ये 2m, तो टोटल मास कितना हो गया हमारा 3m, a इज इक्वल टू क्या हो गया g बाय 3। सेकंड केस के लिए हम लोगों ने क्या किया, सेम ऐसे तरीके से f इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट किया mg, यहाँ पे जो टोटल मास है वो सिर्फ हमारे पास क्या m, तो m से m कैंसिल हो गया, एस्केलेशन हमारा क्या आ गया जी। ये तो हमारे क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, मैं आपको एक दो मेरिकल और सिंपल समझा देती हूँ, ठीक है, तब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेरिकल्स पे। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारा न्यूमेरिकल क्या है, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला अब तक हम लोग क्या पढ़ते रहे, f इज इक्वल टू ma, फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते रहे ma, तो इसके लिए मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, एस्केलेशन। और एस्केलेशन का फॉर्मूला हमें पता है कि एस्केलेशन बराबर हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। एस्केलेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, एस्केलेशन का, यानी एस्केलेशन के लिए हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी टी। हमें पास क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए वी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। तो देखो ये हमारे पास वाई की वैल्यू कितनी है,
यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है कितनी है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हमें चाहिए भी, बी इज इक्वल टू क्या हो गया dy अपॉन dt। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करने पड़ेगी, वेलोसिटी, v इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया dy अपॉन dt। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया d अपॉन dt, y की वैल्यू पुट कर दो कितनी है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसका करो डिफरेंशिएशन, इसका जब t के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हमारे पास सब कितना आएगा u, सबको पता है ना t के रिस्पेक्ट में करेगा तो कितना आ गया हमारे पास इसका u प्लस ये हमारा क्या हो गया जहां पे करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा टू आ गया, देखिए टू पावर में ना तो ये टू पावर में क्या हो जाएगा हमारा आगे आ जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा जी टी, क्या बचेगा हमारे पास जी टी। कैसे करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, यहाँ पे टी की पावर कितनी है वन, ये वन पावर आ गया है, वन में से वन गया कितना बना जीरो, टी की पावर जीरो हमारे पास कितनी होती है वन, तो इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ क्या बचा हमारे पास जीरो सॉरी यू। ठीक है, अगर हम बात करें हाफ जी टी स्क्वायर, क्या लिखा हमने हाफ जी टी स्क्वायर, तो देखो टी स्क्वायर है टू आ गया जाएगा कितना हो गया टू बाई टू जी टी टू टू माइनस वन, तो कितना हो गया टू से टू कैंसिल हो गया जी टी, तो हमने क्या लिख दिया जी टी, ये हमारी क्या आगे वी। ऐसे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे एस्टिमेशन, एस्टिमेशन क्या होगा डी वी अपॉन डी टी, तो ए डी अपॉन डी टी, वी की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है यू प्लस जी टी, वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है यू प्लस जी टी, इसका टी के रिस्पेक्ट में जीरो, इसका टी के रिस्पेक्ट में क्या आ गया जी, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या बना एफ इज इक्वल टू एम ने, और हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाली हुई है ए की जी, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा एम जी। इस तरीके से हम क्या क्या फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं एफ इज इक्वल टू एम जी। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको किसी भी पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब किया हुआ है जो कि होता है वाई इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, आप लोगों को कैलकुलेट करना है फोर्स कैलकुलेट करना है। अब हमने सोचा कि फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी हमें क्या चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी एक्सेलरेशन से पहले भी हमें क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो कि हमें इस फॉर्मूले में दी हुई है। ठीक है, v इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करने में, डी अपॉन डी टी ऐसा कैसे लिखा, y का क्या है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, y का क्या हमारे पास ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, देखो d अपॉन डी टी और ut, t की पावर कितनी थी 1, 1 आ गई है, 1 में से 1 गया 0, t की पावर 0 1, तो ये हमारे पास सिर्फ क्या बचा u। अगर इसकी बात करें तो यहाँ देखो ये 2 क्या हो जाएगा हमारे पास आगे आ जाएगा 2 बाई 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, तो ये हमारे पास कितना बना जी टी। ठीक है, ये तो हम लोगों ने निकाली वेलोसिटी, ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर दी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होगा डीवी अपॉन डीटी, एक्सेलरेशन क्या होगा डीवी अपॉन डीटी, डी अपॉन डी, वी की वैल्यू कितनी है यू प्लस जी टी। ठीक है, तो आप देखो यही तो क्या हो गया हमारा टी है तो जीरो हो गया जी टी, तो टी की पावर वन है ना, वन आगे आ जाएगा, वन में से वन गया जीरो, तो सब क्या बचा हमारा जी, ये क्या हमारा गया एक्सेलरेशन जी। एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए, एक ही जगह पुट करो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया एम जी। तो देखो ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं कनेक्टेड मोशन के, आपको सिर्फ ही ध्यान रखना है कि इक्वेशन कैसे बनानी है। फिर भी किसी स्टूडेंट को मैं वापस बोल रही हूँ न्यूमेरिकल में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, वहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप करके लिख के दे सकता है। उसके अलावा फिर जब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तब आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा। कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो, कोई भी क्वेश्चन, आप इजीली अपने डाउट्स क्लियर करें। और देखो हमने लॉज ऑफ मोशन का एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है, कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास। ठीक है, और जैसे सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारे ऐसे चैप्टर आएंगे, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे। तब तक आप लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।